भारत ने जहां ऐलान किया कि वो अपनी विकास यात्रा गिलगित बाल्टिस्तान तक पहुंचाकर ही रुकेगा, उसके बाद से ही पीओके के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब भारत के इस कदम को रोकने के लिए पाकिस्तान फिर से गड़बड़ तरीके अपनाने लगा है। पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत में घुसपैठ करने का प्लान तैयार किया है। इसको लेकर पाक एजेंसी ने पीओके में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर के साथ बैठक की। सूत्र कहते हैं कि सीमा पर आतंकी फिदाइन हमले की फिराक में है। पीओके में आतंकी ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सूत्र कहते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 50% आतंकी ट्रेनिंग कैंप को बढ़ाया है। पड़ोसी देश में वर्तमान हालात के बीच पीओके में आतंकी सक्रिय हो गए हैं। पीओके के 24 लॉन्च पैड पर अचानक आतंकियों की संख्या बढ़ी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पीओके के जरिए भारत में आतंकियों की घुसपैठ कराना चाहती है। लॉन्च पैड पर आईएसआई और पाक सेना की मदद से आतंकी लाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के केरेन, गुरेज और माछिल सेक्टर में पिछले एक सप्ताह में 117 की संख्या में आतंकी पहुंचे हैं। खुफिया सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सीमा पार पीओके के 3 लॉन्च पैड्स, लोसार कॉम्प्लेक्स, सोनार, सरदारी के जरिए 32 आतंकियों को इकट्ठा किया गया है। इन इलाकों से आतंकी 3 रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूत्र कहते हैं कि आतंकी जिन रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें नौशेरा, नार, गोविंद नाला, परिबाल फॉरेस्ट जैसे आतंकी रूट के जरिए बांदीपोरा में घुसपैठ कर सकते हैं। यही नहीं, माछिल सेक्टर के सरदारी, केल और तेजिन के लॉन्च पैड्स पर 40 के आसपास आतंकी मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक 46 आतंकी रिंगपेन, कुमकारी गली के रास्ते होकर कुपवाड़ा में घुसपैठ कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर के उस पार पाक अधिकृत कश्मीर में 41 लश्कर और जैश के आतंकी मौजूद होने की खबर है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने सुरक्षा एजेंसियों को रिपोर्ट शेयर की है। केरन सेक्टर के सामने दुधियाल अठमुगम लॉन्च पैड पर ये आतंकी मौजूद है। रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकियों की संख्या इस साल 2022 में बढ़ी है, जबकि स्थानीय आतंकवादियों की संख्या में गिरावट आई है। हालांकि पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, अंजाम हर किसी को मालूम है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की हरकत हुई तो यकीनन एक न एक दिन सेना जरूर सीमा पार कर पीओके में दाखिल होगी और आतंकियों का फिर से सफाया करेगी, यानी कि फिर से एक बार भारतीय सेना सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटना को अंजाम दे सकती है।